नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि फेशियल पैरालिसिस हुआ है, यानी चेहरे का लकवा हुआ है, तो हमें किन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके पहले भी मेरा एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आपको फेशियल पैरालिसिस होने की कंडीशन में हमें क्या खाना चाहिए, यानी हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इस बारे में बताया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज चैनल पर जाकर के इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसको आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फेशियल पैरालिसिस एक ट्रांजेंट कंडीशन होती है। यदि हो भी गया है तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लगभग 6 महीने में ये काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है। बहुत ही कम या रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये परमानेंट हो जाता है, नहीं तो 6 महीने में ये काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिल जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं और आपका कोई सवाल हो मुझे कमेंट करिए। साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर या फिर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपकी बात मुझसे करवा दी जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं कि यदि फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, यानी किन चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है हार्ड जो फूड मटेरियल होते हैं उनको खाने से बचना चाहिए। उसका कारण मैं आपको बता दूं, जो कि फेशियल पैरालिसिस नाम से ही क्लियर है, जो कि हमारे फेस की मसल्स होती हैं ये वीक होती हैं, प्रॉपर ये वर्क नहीं कर पाती, हमारा इन पर कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे में यदि आप हार्ड चीज़ें खाएंगे कोई भी, तो क्या होगा कि आप उसको ढंग से बाइट नहीं कर पाएंगे, उसको आप ढंग से चबा नहीं पाएंगे। जब आप उसको ढंग से चबा नहीं पाएंगे, उसके जो टुकड़े होंगे वो बराबर नहीं हो पाएंगे। आप उसको ऐसे निगलेंगे तो निगलने में भी आपको तकलीफ होगी। इसके अलावा यदि आपने कैसे भी करके उसको निगल लिया तो क्या होगा कि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि आपने ढंग से चबाया नहीं है और इस प्रकार का जो खाद्य पदार्थ है वो पेट में जाएगा और उसका ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से आप हार्ड चीज़ें नहीं खाना है, जो भी खाना है आपको सॉफ्ट चीज़ें खाना है। दूसरा है कि आपको बहुत बड़े बड़े बाइट नहीं लेना है, मतलब ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसको पचाने में तो दिक्कत हो ही, साथ में यदि खाने के लिए ज़्यादा ओपन करना पड़े अपने माउथ को। क्यों? फिर से वही प्रॉब्लम कि मसल्स एक्टिव नहीं रहती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं और आप प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, जिसके कारण से आप जो बड़ी बाइट है उसको आप ले नहीं पाएंगे, उसको काट नहीं पाएंगे। जैसे हो गया पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस प्रकार की, मतलब जिनमें ज़्यादा मुंह खोलना पड़े, ऐसी बाइट को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है कि ऐसे खाद्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए जिनमें आयोडीन होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, फेशियल पैरालिसिस जो मोस्टली देखा गया है उसका एक कारण होता है होने का वायरल इन्फेक्शन, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो गया या हर्पीस जूस्टर वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो ऑर्जिनिन की उपस्थिति में इन वायरस के इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या इन्फेक्शन है तो इसके ठीक होने की संभावना कम होती और ज़्यादा स्प्रेड होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में ऑर्जिनिन वाले खाद्य पदार्थों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब ये ऑर्जिनिन किन किन खाद्य पदार्थों में हो सकता है, तो जैसे सोया सॉस हो गया, इसके अलावा जैसे आपका वॉलनट हो गया, कॉर्न हो गया, तो एक्सेस अमाउंट जो होता है कह सकते हैं इसी को खाना, इन चीज़ों से थोड़ी हद तक बचाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद चौथा है जो ट्रांसफैट वाले फूड मटेरियल होते हैं। अब ट्रांसफैट क्या होता है? एक ऐसा फैट जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा फूड मटेरियल जिसमें ट्रांसफैट ज़्यादा होता है उसको खाने से आपको बचना चाहिए। जैसे बाजार की जो तली भुनी चीज़ें होती हैं, जैसे समोसा वगैरह हो गया, या फिर जो जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, पिज्जा बर्गर, चीज़ों को आपको खाने से बचना चाहिए। क्या होता है कि जो मार्केट में तली हुई चीज़ें आती हैं वो आपने अक्सर देखा होगा कि बार बार एक ही ऑयल पे वो तलते रहते हैं, जिससे उस ऑयल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया हो जाती है और वो ऑयल ना रह के एक तरीके से जहर कह सकते हो जाता है। तो मार्केट की जो चीज़ें होती है, खासकर जो जंक फूड होती है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें होती है, चिप्स वगैरह है, इन सब चीज़ों को आपको खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। और पांचवी चीज़ें जो आपको कम यूज़ करना है, कम खाना है, वो है नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक भी क्या करता है कि
जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ाने का हो सकता है यदि आप एक्सेस अमाउंट में खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आदत होती है कि ज़्यादा नमक लेना, तो ऐसे में खासकर यदि आप वायरल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, फेशियल पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं, आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया है, तो कोशिश करें कि नमक की मात्रा कम खाएं। तो इन चीज़ों को आपको अपने खाने में कम से कम शामिल करना है, अवॉइड करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फेशियल पैरालिसिस के इम्प्रूवमेंट में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी आप उसे ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।